हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अशफाक। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेटर होंगे और माशाल्लाह आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए उर्दू का कवायद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कवायद लेकर आया हूं। इसमें से जो क्वेश्चन है इसमें से उर्दू में एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन जो है कवायद से भी मिलता है और इस लेसन से बहुत क्वेश्चन भी मिलता है। ओके, और इससे पहले भी मैंने कवायद का वीडियो बना चुका हूँ अलम की किस्में। ओके, तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन के जो सबसे फर्स्ट जो कमेंट होगा उसमें आप उसको देख सकते हैं, तो उसको भी देखें तो बेटर होगा। तो ये मैं आपको अलिफ की किस्में, वाव की किस्में, अलिफ की किस्में बताऊँगा, वाव की किस्में बताऊँगा, नून की किस्में बताऊँगा और याय की किस्में बताऊँगा, याय और हाय का भी किस्में बताऊँगा। ओके, तो ये पाँच इंपॉर्टेंट जो किस्में हैं जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और इसका जो एग्जांपल होगा, एग्जांपल ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एग्जांपल किसके लिए है। ओके, ये एग्जांपल कौन सी किस्में हैं, तो आप इसको देखें वीडियो को और उम्मीद करूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट देखिए पहले क्या दिया हुआ है। सवाल पहले क्या बोल रहा है कि अलीफ की कितनी किस्में होती हैं। ओके, तो अलीफ की दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती है भाई? अलीफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। ये अलिफ की दो किस्में हैं। तो ये आप किस्में को याद रखें कि अलिफ मकसूरा होती है और अलिफ ममदूदा होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं और अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं। तो ये देखें, अलिफ मकसूरा वो अलिफ जो खींच कर ना पढ़ी जाए। ओके, इसको आप याद रखें, वो अलिफ जो खींच कर ना पढ़ी जाए उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे देखें, अजान अलिफ को खींच नहीं रहे, अनार अलिफ नहीं खींचा रहा, अनवर अलिफ को नहीं खींचा पा रहे, वो खींच रहे, ये अलिफ जो लिखा हुआ है ये अलिफ को खींच नहीं रहे। तो वैसी अलिफ जिसको खींच कर ना पढ़ी जाए उसको अलिफ मकसूरा बोलेंगे। तो आपका एग्ज़ाम में किस तरह रहेगा, सवाल लिखा रहेगा इनमें से कौन अलिफ मकसूरा है और आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप कैसे बनाएंगे? जब ये डिफिनेशन आपको याद रहेगा तब आप बना पाएंगे। ओके, तो इसको याद कर ले, या तो अपना कॉपी में नोट कर ले या तो फिर आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो अलिफ मकसूरा किसको बोलेंगे? जो खींच कर पढ़ जाए, जो अलिफ खींच कर ना पढ़ जाए। ओके, और अलिफ ममदूदा किसको बोलेंगे? वो अलिफ जो खींच कर पढ़ जाए, जो खींच कर पढ़ जाए उसको अलिफ ममदूदा बोलते हैं। जैसे देखें, आम, आब, आज, आप और बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, आग, इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। यानी कि आप समझें, जो अलिफ खींच कर पढ़ेंगे और उस अलिफ के ऊपर मद भी होता लिखा हुआ, तो इससे भी पहचानने का ये तरीका हो गया कि जिस पर मद रहेगा वो अलिफ ममदूदा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये अलिफ की किस्में आपको समझ में आ गई होगी। आइए मैं आपको नेक्स्ट ले जा रहा हूँ, और वो आपका क्या है? वाव की किस्में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये भी है सवाल है। बोला जा रहा कि वाव की कितनी किस्में हैं। ओके, वाव जो हम लोग वाव लिखते हैं, तो इसमें देखें वाव की तीन किस्में होती हैं। पहले देखें अलिफ वाव वाव मारूफ, ओके, वाव मजहूल और वाव मदूला। ये तीन किस्में आप याद रखें कि वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मदूला। अब ये तीनों किस्मों को मैं अलग अलग करके बताऊंगा और तीनों का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों कहते हैं किसको। अब देखिए आपके सामने दिख रहा है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप नोट कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। देखिए वाव मारूफ किसे कहते हैं? वह वाव जो खींच कर पढ़ी जाए। ओके, जिस वाव को खींच कर पढ़ेंगे उसको वाव मारूफ बोलेंगे। तो इसमें देखें ऑप्शन में दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया जैसे खून, खूब, नूर, इसको खींच के पढ़ रहे हैं हम लोग, खून, खूब, नूर। ओके, और नेक्स्ट देखें वाव मजहूल। ओके, वाव मजहूल किसे कहते हैं? वाव वाव जो खींच कर ना पढ़ी जाए। ओके, जो वाव जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए उसको बोलेंगे वाव मजहूल, और जिसको खींच कर पढ़ा जाए उसको वाव मारूफ बोलेंगे। तो ये डिफिनेशन अगर आपको याद है तो एग्जाम्पल तो आराम से आप छाट लेंगे। ओके, वाव मजहूल में देखें एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, जैसे मोर, इसको मोर नहीं पढ़ते, मोर पढ़ेंगे, चोर, सॉरी यहाँ पे जिम लिखा गया, यहाँ पे चे होगा। ओके, चोर, जोर। तो ये इस तरह से जो वाव आ जाएगा जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए उसको वाव मजहूल बोलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, वाव में सबसे इम्पोर्टेंट दिया हुआ वाव मदूला, वाह वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। तो ये आप बहुत सारा एग्जाम्पल देखे होंगे और अपने आप में बोलते भी रहते होंगे, वाह वाह जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। जैसे देखें लिखा हुआ क्या, ख्वाब लिखा हुआ लेकिन पढ़ते हैं इसको क्या, ख्वाब। ख्वाहिश लिखा हुआ लेकिन पढ़ते हैं ख्वाहिश। ख्वाजा लिखा हुआ लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, खाजा बोलते हैं। तो खाजा इसका मतलब ऐसे नहीं लिखना है, खाजा ऐसे नहीं लिखाएगा, ये खाजा जब भी लिखाएंगे तो इस तरह से लिखाएंगे, ख्वाजा लिखाएगा, लेकिन हम लोग इसको खाजा पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि वाव मदूला किसको बोलेंगे, जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। तो इसका एग्जाम्पल जो है जितने सारे मैं बता रहा हूँ उन सभी का एग्जाम्पल बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो
एग्जाम्पल याद करने से नहीं होगा, आप अगर डेफिनेशन आपको याद है तो एग्जाम्पल आराम से याद हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ याय की किस्में, तो ये भी इंपॉर्टेंट आता है याय, जिसको हम लोग इस तरह से ये लिखते हैं या तो फिर दो नुक्ता नीचे देते हैं वो याय होता है। तो यहाँ पर लिख दें हमें याय की कितनी किस्में हैं, तो याय की भी दो किस्में हैं। देखें याय मारूफ याय मजहूल, ओके ये दो किस्में याय की, याय मारूफ याय मजहूल। अब जैसे पढ़े थे वाव वाह मारूफ वाह मजहूल, सेम इसी तरह से है, जिसको खींच कर पढ़ा जाए जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ और आप चाहें तो उसको नोट कर ले या स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप। याय मारूफ किसको बोलेंगे, वो याय जो खींच कर पढ़ी जाए, ओके जिस याय को खींच कर पढ़े जाएंगे, जैसे देखें एग्जाम्पल अमीर गरीब शरीफ वगैरह, ये सब याय को, ये जो नीचे याय ये लिखा हुआ है, ये जो ये लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ रहे हैं, खींच कर पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे याय मारूफ बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन याय मारूफ है, इनमें से कौन याय मारूफ मजहूल है, इनमें से कौन वाव मदूला है, इस तरह से रहेगा। तो आप एक एक करके इतना शॉर्ट में मैं डिफिनेशन लिखाऊँ जो कि आप बहुत ईजी आपको तुरंत याद हो जाएगा, इसको बस आप दो तीन बार अगर इसको रिविज़न करेंगे तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ईजी से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। फिर देखें याय मजहूल किसको बोलेंगे, वो याय जो खींच कर ना पढ़ी जाए, ओके जिसको खींच कर ना पढ़ेंगे उसको याय मजहूल बोलेंगे। जैसे देखें शेर, इसको सिर नहीं पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ भी देखें उसी तरह से ये लिखा हुआ, लेकिन यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अमीर पढ़ते हैं और यहाँ पे शेर होना चाहिए, तो लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं शेर। दलीर होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं दलेर, दलेर पढ़ते हैं, याय को खींच नहीं रहे, दलेर पेड़। तो इस तरह से बहुत सारा है जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता है और बहुत सारा है जिसको खींच कर पढ़ा जाता है। तो मारूफ मतलब ये समझे खींच कर पढ़ने वाला, अब मजहूल में ये समझे खींच कर ना पढ़ने वाला। उम्मीद करता हूँ ये याय की किस्में पता चल गया होगा आपको, और मैं आपको आगे नून की किस्में बताने जा रहा हूँ। नून की किस्में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये देखें नून की कितनी किस्में हैं, तो नून की जो है दो किस्में हैं, ओके नून की दो किस्में हैं, नून मलफूजी, ओके नून मलफूजी और नून गुन्ना, ये तो हम लोग जानते हैं, एक नून जो साफ साफ लिखता होता है, एक नून गुन्ना खाली नून रहता है, तो इसी का हम लोग स्पेसिफिक डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसका अलग अलग करके मैं आपको बता दूं, ये देखिए आपको आ गया है, और ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने खुद अपने हाथ से बोर्ड पर लिखा हूं, ओके बोर्ड पर लिखा हूं, क्योंकि कॉपी में लिखने से थोड़ा सा राइटिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा बोर्ड पर हो पाता है, इसलिए मैं सोचा हूं कि बोर्ड पर लिख के उसका फ़ोटो खींच के आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करवा दूं। ये देखिए नून मलफूजी किसको बोलते हैं, वह नून जिसकी आवाज़ साफ साफ ज़ाहिर हो, यानी कि जब कुछ जब नून जब निकल रहे हैं तो पूरा साफ साफ नून ना निकल पाए, जो ना बोलते हैं इसको या एन बोलते हैं वो पूरा क्लियर निकल पाए, जैसे कान मान शान रान, बहुत सारे एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा होगा। ओके तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने बहुत मज़ा आ रहा होगा, कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूँगा आप लोग अगर इसको रिवीजन करेंगे तो बहुत ईजी से आप लोग बना पाएंगे। तो जिसको जिसकी आवाज़ साफ साफ निकले उसको क्या बोलेंगे, नून मलफूजी बोलेंगे। एग्जाम में आपका डिफिनेशन नहीं आएगा, एग्जाम्पल एग्जाम में आपका एग्जाम्पल आएगा और लिखा हो रहेगा नून मलफूजी कौन है इनमें से, तो आप इसको चुन के बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, जब तक आपका डिफिनेशन याद नहीं रहेगा तो आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए आपको डिफिनेशन याद करना है। ओके या तो समझ जाए जिसको नून जो नून साफ साफ जाहिर हो साफ साफ निकले वर्ड उसको क्या बोलेंगे, वाव मलफूजी। और नून गुन्ना देखिए किसको बोलते हैं, वो नून जिसकी आवाज़ नाक से निकले, नाक से हम लोग बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ वहाँ कहाँ, ओके जहाँ, इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा होगा, पैदा हो रहा होगा, तो आप जान रहे हैं और इस तरह सारा वर्ड को हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये सारा वर्ड किसकी किस्में है इसको पता नहीं। तो नून गुन्ना हम लोग जानते भी, खाली जो नून होता है इसका पहचानने का यही नियम है, जो खाली नून है वो समझ जाएंगे कि नून गुन्ना है, और जिसमें नून भरा हुआ रहेगा ये नून लिखा रहेगा उसको बोलेंगे नून मलफूजी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको नून वाला समझ में आ गया होगा। और मेरा लास्ट बच गया हाय, इसके पहले मैं याय की किस्में बताया था, अब ये है हाय की किस्में, ये हाय और याय में कन्फ्यूजन मत करें, ये याय था ओके, और ये हाय है, हाय नीचे जो हा होता है जिसको हम लोग हा बोलते हैं, इस तरह से जो हा लिखते हैं ओके। तो हाय की कितनी किस्में हैं, हाय की दो किस्में हैं, कौन कौन किस्में हैं भाई, हाय मलफूजी हाय मुख्तफी, ये दो किस्में हैं ओके। तो इसको किस्में को याद रख रहे हैं कि हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी। अब देखिए मैं एक एक करके आपको मैं बता देता हूँ, ये देखें आप इसको नोट कर लें या तो फिर आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप अपने फ्यूचर के लिए। ये देखिए या हाय, हाय मलफूजी किसे कहते हैं, वो हा
ये देखिए हा लिख दिया मैंने, ओके, वो हा जो साफ साफ जाहिर हो, जैसे नून में कैसे था, नून मलफूजी, मलफूजी में वही साफ था, साफ साफ जाहिर हो, साफ साफ क्लियर हो, तो हा में उसी तरह होगा जो हा साफ साफ जाहिर हो, जैसे आह, माह, वाह, राह, बहुत सारा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो ये सारा एग्जाम्पल आपको पता है लेकिन किसकी किस में ये पता नहीं था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको पता भी है तो इसको रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा वर्ड है जो जब तक आपके लाइफ में और हमारे लाइफ में स्टूडेंट लफ्ज़ लगा ना हो, ओके, तब तक हमें कोशिश ये करना चाहिए कि इसको रिवीजन करते रहना चाहिए, ओके, तो स्टूडेंट जब तक लगे हैं, जब तक पढ़ रहे हैं तब तक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं रिवीजन, जब जिसका रिवीजन अच्छा होता है उसका मार्क्स भी बेटर आता है, और आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पढ़ा हुआ चीज़ आता है लेकिन आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं हम लोग कि ये तो अभी मैंने पढ़ा था लेकिन भूल गए, तो ये भूलने का कारण क्या है, रिवीजन, रिवीजन जितना करेंगे उतना बेटर रहेगा, ओके। और मैं देखिए इसका लास्ट क्या है, हाय मुक्तफी, वो हा जो सिर्फ हरकत जाहिर हो करती है और आवाज़ अलिफ की देती है, यानी कि हा आएगा लेकिन आवाज़ अलिफ की देगा, जैसे ज़माना, बहुत सारे ज़माना जब लिखाएंगे तो इस तरह से लिख देगा ज़माना, लेकिन ज़माना अलिफ की आवाज़ दे रहा है ना, लेकिन अलिफ नहीं होगा, ये ज़माना इस तरह से होगा, ओके, नू अहे हरकत इसमें होता है, ज़माना हल्का से इसमें हा आता है और आवाज़ अलिफ की देते हैं, तो ज़माना, निशाना, अफसाना, रुखसाना, फसाना, बहुत सारा होगा, इस तरह से आप एग्जांपल बोल रहे होंगे, ओके, तो इस तरह से आप इसको याद करें तो कि ताकि आपका इस लेसन से अगर एग्ज़ाम में आ भी गया आपका क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से छूटना नहीं चाहिए। मैं तो यही आप लोग से उम्मीद करूँगा कि इस लेसन से क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए, ओके। चलिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दे, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।